मैं खुद विधानसभा का चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मैं लोक जनशक्ति पार्टी में हूँ, जो भाजपा रालोसपा हम पार्टी के गठबंधन में है। पार्टी का निर्देश हुआ आखिरी समय में कि आपको चुनाव लड़ना है, पार्टी का सिपाही होने के नाते मैं चुनाव को कबूल किया। कारण यह था कि मैं 84 में जो अपार जन समूह लोग अपना पेट काट कर हमको 1 रुपया 2 रुपया देकर एमपी बनाए, दुर्भाग्य था कि मैं हार गया। प्रयास करता रहा कि एक बार जीत जाऊं और उन लोगों के कर्ज को उतार सकूं जिनका 84 में मुझ पर कर्ज था। आज मैं एनडीए का कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया गया हूं। मेरा चुनाव चिन्ह बंगला है और मैं आशा करता हूं कि 38 साल की सेवा, 38 साल की मेरी तपस्या उन सभी वर्गों के लिए था, उन सभी पार्टियों के लिए था। जो भी मेरे पास आया मैं सबकी सेवा किया। मैं कटिया विधानसभा, कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के वासियों से सिर्फ एक अपील करना चाहता हूं कि केंद्र में आपने एनडीए की सरकार बनाई और बिहार में भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इस पुनीत अवसर पर आप विकास के मार्ग को ढूंढे और मेरा एकमात्र लक्ष्य है कि अगर मैं जीतता हूं तो कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में विकास की नई रोशनी को मैं लाऊंगा। जो भी फंड विधायक मत का होगा, उप पंचायत के हिसाब से बंटवारा होगा। आज की हालात है कि चंद लोग विधायक फंड का इस्तेमाल करते हैं। मैं स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी से मिला था और उनका आश्वासन है कि कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र अत्यंत ही पिछड़ा क्षेत्र है। बहुत सा ऐसा परिवार है कि आज 2 रोटियों के लिए मुहताज है। मैं चंद दिनों में ही जनता को एहसास कराऊंगा कि क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधि प्रजा के मालिक नहीं होते हैं, बल्कि उनके नौकर होते हैं। और मैं नौकर बनकर कटिया के कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के विकास में जुट जाऊंगा। न मेरे सामने कोई जात होगी, न कोई बात होगी, न कोई अमीरी होगी, न गरीबी होगी। समान दृष्टिकोण से मैं हर क्षेत्र में विकास करूंगा। आज हालात ये है कि अगर भागीपट्टी सेमौर से हम गोरखपुर जाना चाहें तो रोड किसे कहते हैं, गड्ढा किसे कहते हैं, ये सारी पब्लिक जानती है। अनेकों विकास कार्य हैं। पंचदेवरी प्रखंड में अति पिछड़े और गरीब तबके के लोग बसते हैं जो आज भी विकास से वंचित है। नटवा पुल का सभी नेताओं ने आश्वासन दिया और आज तक नटवा पुल पूर्ण रूपेण बना नहीं। मेरे सबसे पहला काम होगा उस नटवा पुल को मैं तुरंत उसे कार्य रूप देकर आवागमन की सुविधा, हजारों लोग उस पुल नहीं बनने से
आज भी वंचित हैं। और सबसे बड़ा काम होगा कि विधि और व्यवस्था दुरुस्त रहे। मैं पुनः कुचायकोट वासियों से अपील करता हूं कि अगर आपको लगे कि अन्य दलों के प्रत्याशी से मैं आपके क्षेत्र का विकास अधिक कर सकता हूं, तो आप कृपया बंगला, जो मेरा ही नहीं नरेंद्र मोदी एनडीए का चुनाव, उपेंद्र कुशवाहा का चुनाव चिन्ह है, उस पर मोहर लगाकर 1 नवंबर को विजयी बनाएंगे। हमारे नेता माननीय रामविलास पासवान खुद कहते हैं कि अगर मेरी सरकार आई और बिहार में सरकार बनी तो उन हर गरीबों को, जिस तरह मेरा बंगला चुनाव चिन्ह है, एक घर हम सबको प्रदान करेंगे। आपका आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे, इन्हीं आशाओं और विश्वास के साथ मैं आपसे पुनः अपील करते हुए कि ये चुनाव आप काली पांडे बनकर खुद लड़े। धन्यवाद।